हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इजी कोर्स पर। मेरा नाम है सुमित एंड आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स में जो उनका चैनल है उसमें आपने देखा होगा कि उनका यूआरएल बहुत छोटा होता है। उसमें ये बस ये होता है कि https के बाद youtube.com लिखा रहता है एंड देन उसका चैनल का नाम लिखा रहता है। तो हम वैसा कैसे क्रिएट करें, तो आज हम ये देखेंगे। तो आपने कई बार ये भी देखा होगा कि आप अपने दोस्तों को है ना अपना जो चैनल का लिंक है वो शेयर करते हो तो बहुत बड़ा लिंक हो जाता है, उसमें HTTP के बाद कई सारे रेंडम अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, तो उसको भी हमें चेंज कैसे करना है वो देखेंगे हम आज। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फैसिलिटी है, फीचर है, वो उन्हीं के यूट्यूब चैनल पर इनेबल होगा जिसके सब्सक्राइबर 100 से ऊपर है। ओके, लगभग 100 से ऊपर होने चाहिए आपके सब्सक्राइबर, तभी ये जो फीचर है आपके YouTube चैनल पे अप्लाई होगा। ओके, तो देखते हैं चलिए कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको मोबाइल पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो सिंपल क्रोम ब्राउज़र खोलें, कोई सा ब्राउज़र खोलें एंड youtube.com डाल दें। ठीक है, सर्च बार पे एंड देन उसके बाद ये 3 डॉट आपको ऊपर दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें एंड डेस्कटॉप साइट ओपन कर लें। डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद आपको सिंपली ये जो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको जो आपका चैनल है उसका लोगो दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है तो यहाँ स्विच अकाउंट करें। स्विच अकाउंट से आप जो भी आपका चैनल है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली बहुत ईजिली आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने यूट्यूब चैनल पर क्लिक करें, यूर चैनल पर एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको जूम कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये जो कस्टम चैनल है उस पर क्लिक करता हूँ। मैंने कस्टम चैनल पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेटिंग का जो लोगो है, आइकन है बना होगा, तो उस पर क्लिक करें एंड देन आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग भी कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देखिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा अकाउंट सेटिंग, ये देखिए दिख रहा है आपको, तो उस पर क्लिक करें तो ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। तो आपको यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा एडवांस सेटिंग लास्ट में, ठीक है, उस पर क्लिक कर दें, बहुत ईजिली हो जाएगा ये। यहाँ पर आपके चैनल का यूज़र आईडी, चैनल आईडी सब लिखा रहता है और यदि आपके 100 सब्सक्राइबर से ऊपर हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर ये लिखा आएगा यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम URL। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक इट, क्लिक हियर, तो इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ऐसा ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप कस्टम URL किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मेरा जो चैनल नेम है इजी कोड तो उस नेम से आ रहा है एंड आप सफिक्स लगा के कुछ भी कर सकते हैं। सफिक्स में आप कुछ भी चेंज कर दें, आपके इजी कोड्स के बाद अपना नाम लिख दें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ से इजीली आपके चैनल का नाम जो है अपना कस्टम URL क्रिएट कर सकते हैं।